अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद अमजद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमाद अमजद प्रॉपर्टीज़। आज हम आए हैं स्कीम 33 की एक सोसाइटी में। आज इस सोसाइटी का मैं आपको रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कितने गज के प्लॉट्स यहां पे अवेलेबल हैं और करंटली क्या प्राइसेस चल रहे हैं और डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है सोसाइटी में। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी का नाम बता दूँ। इस सोसाइटी का नाम है कराची राजपूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और ये स्कीम 33 के सेक्टर नंबर 11th ए में वाक़ है। और अगर मैं आपको इसकी लोकेशन समझाऊं तो आप सुपर हाईवे से जमाली पुल की तरफ आएंगे और जमाली पुल से आप लेफ़्ट हैंड की तरफ जो न्यू कराची को रोड जा रहा है उसी रोड पर आप आगे जाएँगे तो रास्ते में आपको अलीगढ़ 5A 5B पड़ेगी और थोड़ा सा ही आगे आप जाएँगे तो लेफ़्ट हैंड के साइड पर ये सोसाइटी लोकेटेड है। अब हम सोसाइटी के डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें, इसके लैंड के डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें कि आया कि सोसाइटी मज़बूत है या नहीं। तो मेरे ख़्याल से तो बहुत मज़बूत सोसाइटी है क्योंकि ये फॉर्म 2 पर है और 99 ईयर लीज्ड सोसाइटी है। और अगर हम अप्रूवल की बात करें तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी KDS में लगता है तो उससे भी अप्रूव्ड है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी SBCA से भी ये अप्रूव्ड सोसाइटी है। अब हम सोसाइटी के फीचर्स की बात कर लें तो ये एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, चारों अतराफ से बाउंड्री वॉल हुई हुई है। 24/7 सिक्योरिटी यहाँ पे अवेलेबल है, दिन के भी गार्ड्स यहाँ पे हैं और रात के भी गार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं जो रात को एक अच्छा मंज़र देती हैं। इसके अलावा तमाम के तमाम रोड यहाँ पे कारपेटेड हैं, चाहे वो छोटा रोड हो और या फिर वो बड़ा रोड हो। आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने गज के रोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे रोड्स भी कारपेटेड। अब हम यहाँ पे कैटेगरीज़ की बात कर लें कि यहाँ पे कितने गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कितने गज के प्लॉट की यहाँ पे कटिंग है। तो सबसे पहले अगर हम रिहायशी की बात कर लें, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर लें, तो यहाँ पे 120 यार्ड्स, 200 यार्ड्स और 400 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल हैं। 120 गज़, 200 गज़ और 400 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में 133 गज़ के LS के कुछ प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कमर्शियल बड़े कमर्शियल की बात करें तो बड़े कमर्शियल में यहाँ पे SBs दिए गई हैं 400 गज़ की कुछ, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इसका टोटल रकबा जो है वो 33 एकड़ पे ये सोसाइटी मुहित है और इसमें ज़्यादातर जो है वो 400 गज़ के प्लॉट हैं और 200 गज़ के प्लॉट हैं। 120 गज़ के यहाँ पे कम प्लॉट्स हैं। अगर मैं प्लॉट्स के तादाद आपको बताऊं तो 120 गज़ के टोटल यहाँ पे 36 प्लॉट्स हैं और 200 गज़ के टोटल यहाँ पे 86 प्लॉट्स हैं और 400 गज़ के टोटल यहाँ पे 79 प्लॉट्स हैं। तो इस सोसाइटी में ज़्यादातर जो है 400 गज़ और 200 गज़ के यहाँ पे ज़्यादातर बात करें तो LS में 133 गज़ में टोटल 11 प्लॉट हैं और SB जो हैं टोटल 8 प्लॉट हैं। तो इस तरीके से ये एक रिहायशी सोसाइटी है और ये वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड के साइड पे ये 400 गज़ का विला कंप्लीटेड है और यहाँ पे रिहाइश है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये तमाम के तमाम 200 गज़ के हाउसेस कंप्लीटेड हैं और यहाँ पे भी रिहाइश हो चुकी है। ये एक पोजीशन वाली सोसाइटी है, यहाँ पे आप प्लॉट परचेज़ करें और फौरन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। यहाँ पे लीज़ ट्रांसफ़र दोनों के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को ट्रांसफ़र प्लॉट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और किसी को अगर लीज़ प्लॉट चाहिए या ट्रांसफ़र को लीज़ करवाना है तो वो भी आसानी से इस सोसाइटी में पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे बुनियादी सहूलियात की बात कर लें कि आया यहाँ पे पानी बिजली गैस अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे स्वीट वाटर भी अवेलेबल है, मीठा पानी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के आप पोल्स वगैरह देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, गैस भी यहाँ पे कुंडे की अवेलेबल है। तो ये तीनों सहूलियात जो बेसिक नीड कहलाती हैं ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सोसाइटी की एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये मस्जिद यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है।
और मस्जिद के बिल्कुल बराबर में आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सोसाइटी वालों ने एक सोसाइटी वालों के लिए पार्क दिया गया है। बहुत ही बड़ा ये पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। पार्क के बिल्कुल बराबर में एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स के लिए एक कम्युनिटी सेंटर दिया गया है। उसके बराबर में हॉस्पिटल के लिए एक जगह दी गई है और एक स्कूल के लिए यहाँ पे जगहें दी गई हैं। अब हम कराची राजपूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्राइसेस के हवाले से थोड़ी डिस्कशन कर लें। अभी प्राइसेस बहुत यहाँ पे रिजनेबल हुए हुए हैं क्योंकि एक साल पहले काफ़ी प्राइसेस हाई थे तो काफ़ी लोगों ने उस टाइम भी परचेजिंग की। अभी वो थोड़े से लॉस में हैं लेकिन अभी जो परचेजिंग करेगा वो यकीनन फ़ायदे में होगा क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में पोजीशन है और फौरी रिहाइश इख्तियार आप इस सोसाइटी में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 120 गज़ के प्लॉट के प्राइसेस की बात करूँ तो 40 लाख से 45 लाख रुपए तक में यहाँ पे 120 गज़ का प्लॉट आपको मिल जाता है। 200 गज़ की प्लॉट की बात करें तो 200 गज़ का 60 से 65 लाख रुपए में एक जनरल प्लॉट आपको मिल जाता है। इसके अलावा हम 400 गज़ की बात करें तो 400 गज़ 90 से 95 तक में यानी 90 लाख से 95 लाख रुपए तक में एक 400 गज़ का प्लॉट आपको यहाँ पे इजीली, ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये पूरी 133 गज़ की कमर्शियल पट्टी है और यहाँ पे ये एक बड़ा कमर्शियल दो प्लॉटों पे मुहित बना हुआ है। यहाँ पे अगर किसी को फ्लैट्स वगैरह बुक कराने हों तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैंने आपको तमाम डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड की। स्कीम 33 में चंद ही सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका तकरीबन 120 गज़ का प्लॉट 40, 45, 50 लाख रुपये में मिल जाता है। उनमें से एक ये कराची राजपूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो सेल परचेज के हवाले से आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए है तो उस हवाले से भी रابطہ कर सकते हैं और अगर कोई आपको प्लॉट सेल आउट करना हो तो उस हवाले से भी आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। हमाद अमजद मेरा नाम है। अलरजाक रियल इस्टेट के नाम से मेरा ऑफिस है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में। स्कीम 33 की किसी भी सोसाइटी में आपको प्लॉट चाहिए हो तो आप मुझसे रابطہ करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो